हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो कि लुकअप फंक्शन को लेकर, बहुत ही छोटा सा वीडियो है, ध्यान से समझिएगा। लुकअप फंक्शन एक्सेल में होता है, ठीक है, एक्सेस में लुकअप विजार्ड होता है, लेकिन लुकअप नाम का कोई फंक्शन नहीं होता, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक्सेस में नहीं होता, एक्सेल में होता है। चलिए बात करते हैं इज इक्वल टू लुकअप। तो लुकअप कैसे करेंगे, तो ये लुकअप आ गया, देखिए वी लुकअप एच लुकअप आपने पहले ही सीख लिया है। अब ये लुकअप आ गया, अब ये कह रहा है लुकअप वैल्यू, किसको आप लुकअप करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि हम सीपीयू देखना चाहते हैं कि सीपीयू कुल मिलाकर के कितने रुपए का बिका है, ठीक है। तो यहाँ पे आए, कॉमा दिया, पूरा का पूरा ये जो टेबल एरे है उसको आप कर लीजिए सेलेक्ट यहां से, ठीक है, आपको करना है यहां से सेलेक्ट इसको। तो इस तरीके से मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और बस अब ब्रैकेट को क्लोज करता हूं और अब एंटर प्रेस करता हूं। तो ये देखिए यहां पर आ चुका है कि सीपीयू कुल मिलाकर के 128,000 रुपए का यहां पे बिका है, ठीक है। अब अगर सीपीयू के बजाय हमें कुछ देखना हो तो यहां पर एक काम करते हैं ना, यहां पर हम यहां पे प्रोडक्ट नेम, ये जो हेडिंग है ना, इसको ले लेते हैं यहां से। तो इसको हम हेडिंग को सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से और यहां से कंट्रोल सी प्रेस करता हूं कॉपी करने के लिए और कंट्रोल वी प्रेस करता हूं पेस्ट करने के लिए। तो ये आ गया यहां पे, ठीक है, डबल क्लिक करेंगे ये रिसाइज हो जाएगा। अब यहां पर प्रोडक्ट नेम और यहां पे टोटल, ठीक है। अब आपको देखना क्या है वो समझिए, इज इक्वल टू पहले लुकअप लगा लेता हूं। देखना है हमें कि कीबोर्ड टोटल कितने रुपए का बिका, ठीक है, ये हमें पता करना है। तो प्रोडक्ट नेम कहां आएगा, यहां आएगा, यहां पे प्रोडक्ट नेम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, कॉमा दे रहे हूं और कॉमा देने के बाद ये पूरा टेबल एरे आप कर लीजिए सेलेक्ट, ठीक है, यहां से इस तरीके से ये कर लिया सेलेक्ट। ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और प्रेस कीजिए एंटर। तो यहां एनए आ रहा है, एनए इसलिए आ रहा है कि यहां पर कोई इसे वैल्यू मिल नहीं रही है, दैट्स व्हाई ये एनए आ रहा है। तो यहां पर जो वैल्यू हम देंगे उसी का ये टोटल करके हमें दे देगा। कैसे देगा आइए देखते हैं। यहां पर अगर मैं लिखता हूं एच डी टी, एंटर प्रेस किया, अब देखिए यहां हार्ड डिस्क की बात की जा रही है और हार्ड डिस्क कहां है, ये रहा। तो कुल मिलाकर 4,000 रुपए का हार्ड डिस्क बिका है, तो ये यहां पे आ गया, ठीक है। इसी तरह की ये बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे करना है। अब देखिए यहां पर हार्ड डिस्क है ना, हार्ड डिस्क को अगर मैं हटा देता हूं यहां से, यहां पे मैं कर देता हूं माउस एम ओ यू एस ई, एंटर प्रेस करता हूं, तो ये देखिए यहां माउस की प्राइस आ रही है, देख रहे हैं टोटल प्राइस, यानी कि टोटल यूनिट के हिसाब से टोटल करके ये माउस का दे दे रहा है 1380 रुपए, ठीक है। अगर यहां पे मैं चेंज करता हूं, फिर यहां लिखता हूं पेन ड्राइव, तो यहां पे देखिए पेन ड्राइव आ जाएगा, पेन ड्राइव की कॉस्ट आ जाएगी, मतलब टोटल कॉस्ट कितनी हुई पेन ड्राइव की, वो आ गया है। तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।